राष्ट्रीय खिलाड़ी मोहम्मद रफी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने गरीबों की मदद के लिए बढ़ाया हाथ। राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय खिलाड़ी मोहम्मद रफी। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लॉकडाउन से प्रभावित गरीबों में लगातार किया जा रहा है राशन व अन्य खाद्य सामग्री का वितरण। इसी क्रम में उन्होंने आज बालागंज स्थित जल निगम रोड पर गरीबों को राशन एवं सब्जी वितरित की। बता दें कि मोहम्मद रफी द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखते हुए प्रतिदिन 200 गरीब परिवारों के बीच राशन पहुँचाया जा रहा है। आज जब उन्होंने बालागंज क्षेत्र में राशन का वितरण किया तो जनता ने उन्हें धन्यवाद दिया। अपने इस सामाजिक कार्य के दौरान राष्ट्रीय खिलाड़ी मोहम्मद रफी द्वारा लोगों से लॉकडाउन का पालन किए जाने की अपील के साथ लोगों को अनावश्यक घरों से न निकलने का आग्रह भी किया जा रहा है। अपना परिचय दे दीजिए। मैं मोहम्मद रफी, राष्ट्रीय खिलाड़ी उत्तर प्रदेश पुलिस वेट लिफ्टिंग टीम से हूँ मैं। आज ये जो आपने राशन वितरण कराया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं इस सिलसिले में यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी गरीब परिवार, कोई भी भूखा न सोए, और इस कोरोना को देखते हुए जो लोग गरीब परिवार वाले परेशान हैं, उन्हें राशन ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी मदद करें। मुझे देख के और लोग भी इसे जागरूक हों और लोगों की इसमें मदद करें। ये कितने दिन से आप लगभग ये राशन? जब से ये लॉकडाउन हुआ मैं कम रेगुलर इसमें लगा हुआ हूँ, और मैं लखनऊ से जहाँ से भी कॉल आती है उस एरिए में, उस मोहल्ले में जाता हूँ, और रोज़ 200-250 लोगों की रोज़ मैं मदद कर रहा हूँ। क्या लखनऊ के अलावा बाहर भी आप जा रहे हैं लोगों की मदद करने? नहीं, लखनऊ प्रॉपर जहाँ आसपास जहाँ तक मैं जा सकता हूँ लखनऊ शहर में, वहाँ कर रहा हूँ, और डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद मेरे घर पर भी ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है।